दीदी, पीरियड्स के दौरान हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ये तो तुमने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है पिंकी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि पीरियड्स के दौरान तुम्हें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर 15 साल की उम्र तक तुम्हारे पीरियड्स ना आए, या लगातार 3 महीने से तुम्हारे पीरियड्स नहीं आए हो, या फिर तुम्हारे पीरियड्स तुम्हारे माहवारी चक्र से बहुत जल्दी या काफी देर से आ रहे हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ असामान्य लक्षण हैं जिनके दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहला, पीरियड्स 7 दिन से ज्यादा हो रहे हो। दूसरा, तुम पीरियड्स के दर्द के कारण बिस्तर से उठ नहीं पा रही हो, पेशाब या शौच करते समय भी दर्द हो रहा हो। तीसरा, पीरियड्स के खून का बहाव ज्यादा हो रहा हो, जिसके कारण तुम्हें हर 2 घंटे में पैड बदलना पड़े। चौथा, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, उल्टी और दस्त हो रहे हो। ये चारों एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी के संकेत हो सकते हैं, इसलिए इनके दिखते ही तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर पीरियड्स का खून सफेद, ग्रे या हरे रंग का दिखे, या फिर पीरियड्स ना होने पर भी खून आए, तो ये भी किसी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने पीरियड्स की तारीख लिख के रखो और कुछ भी असामान्य लगने पर तुरंत अपने मम्मी पापा को बताओ और डॉक्टर से मिलो। थैंक यू दीदी, पीरियड्स के वक्त मैं इन संकेतों का पक्का ध्यान रखूंगी, ताकि सही समय पर डॉक्टर की मदद ले सकूं।